हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मेरे पास में एक लेमन और एक सिगरेट, और इस लेमन को इस सिगरेट की सहायता से काटेंगे चक्कू का बिना यूज किए हुए। सो दोस्तों, मैंने इसे किस तरह से काटा है वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, इसे करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नींबू की, तो मैंने नींबू ले लिए हैं, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह के। उसके बाद में एक सिगरेट लिया मैंने, आप देख रहे होंगे। सो गाइज, इसके बाद में हमें कुछ लकड़ी का टुकड़ा चाहिए होगा या कोई हार्ड चीज चाहिए होगी। तो अब इस सिगरेट को जला लूंगा। पीछे का जो हिस्सा है, इसका फिल्टर साइड वाला हिस्सा है, इसे जलाना होगा हमें। तो मैं इसे जला लेता हूँ कुछ इस तरह से, आप देख रहे होंगे। सो गाइज, अच्छी तरह से जला लेना होगा हमें, कुछ इस तरह से पूरा जल गया है। अब इस पीछे वाले हिस्से को कुछ इस तरह से दबा देना है, अच्छे से दबा देना हमें। तो मैंने इसे दबा दिया, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से बिल्कुल दब गया है, आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा शार्प हो गया है। तो अब इसे हटा लूंगा मैं। तो इसे मैं सिगरेट के अंदर से हटा लिया है, कुछ इस तरह का हो गया है, काफी ज्यादा हार्ड हो गया ये। और अब इसे लेमन को काटेंगे कुछ इस तरह से, आप देख रहे होंगे नींबू को बड़े आसानी से काट रहा है ये टुकड़ा, कुछ इस तरह से पूरा नींबू हमारा कट गया है। हमारे नींबू को काट दिया है इसने। तो गाइज, इसे आप भी काट के ट्राई कर लेना जरूर। दूसरा नींबू मैं काटता हूं, आप देख रहे होंगे। सो गाइज, दूसरा नींबू भी बड़े आसानी से कट रहा है इससे। तो गाइज, इसे नींबू ही नहीं, कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे दूसरा नींबू भी मैंने काट दिया है। तो गाइज, ये टुकड़ा काफी ज्यादा हार्ड हो गया है, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का टुकड़ा है ये, काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है और शार्प भी हो गया है सामने से, आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा नुकीला हो गया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो गाइज यार, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।